लक बाय चांस एपिसोड 113 खतरा। डिंपल को आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है और मिनी उसके मुंबई में होने से हैरान हो जाती है। वहीं अनुराग रोहन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वर्धमान को शुक्ला जी से धूमकेतु के षड्यंत्र की खबर मिलती है। रायमा और आर्मन अपने ही परिवार में रहकर उसके खिलाफ कोई चाल चलने वाले हैं, ये बात तो तय है, लेकिन क्या फिलहाल इसका अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। वहीं शाम तक वरुण और सिंघानिया परिवार के बारे में रिसर्च करने के बाद डिंपल रिया के साथ हॉस्टल लौट आई थी और वहां के मेस में डिनर करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए बिस्तर ठीक करती हुई किसी सोच में डूबी हुई थी। डिंपल को इस तरह गुमसुम देखकर रिया उससे पूछती है, क्या बात है डिंपल, मैं देख रही हूँ जब से तू यहाँ आई है तब से कहीं खोई हुई है, कोई बात है क्या? तुझे अंकल आंटी की टेंशन हो रही है क्या? देख अब तू यहाँ आ गई है तो परेशान होना बंद कर दे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो दोनों मान ही जाएंगे। और तू तो इतनी ब्राइट स्टूडेंट है, आई एम श्योर एक दिन उन्हें तुझ पर नाज होगा। ये कहते हुए रिया आकर डिंपल के पास बैठ जाती है और डिंपल अपने होठों पर एक झूठी मुस्कान ले आती है। थोड़ी देर में कमरे की लाइट्स बंद करने के बाद जब डिंपल अपने बिस्तर पर लेटी होती है तभी उसके दिमाग में वरुण से जुड़ी बातें ही चल रही थी, जैसे उसे अभी तक भी भरोसा ना हुआ हो कि वरुण ऐसा कुछ कर सकता है। डिंपल वरुण से बहुत प्यार करती थी लेकिन उसका असली चेहरा देखने के बाद उस प्यार पर नफरत का एक मुखौटा डालने पर मजबूर हो गई थी। डिंपल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वरुण या उसके परिवार से जुड़ी किसी भी कमजोरी का पता कैसे लगाए। ऐसे में अचानक डिंपल के दिमाग की बत्ती जलती है और उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। उस आइडिया के बारे में सोचते हुए डिंपल के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ जाता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, मैं कल ही उन लोगों से बात करती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके सामने मेरी असली पहचान ना उजागर हो। डिंपल ने अपनी तरफ से वरुण के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया था। वहीं अगली सुबह वरुण जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। अब तक वरुण सोच रहा था कि ऑफिस के काम के साथ किसी तरह कॉलेज की पढ़ाई मैनेज कर लेगा, लेकिन डिंपल के आ जाने के बाद वो रोज कॉलेज जाने के लिए अपने स्केड्यूल में थोड़ा एडजस्टमेंट करने में लगा हुआ था। इसीलिए सुबह जल्द काम खत्म कर वो सब कुछ मिनी के भरोसे छोड़कर निकलने वाला था। वरुण ने रात को ही कॉल करके मिनी को अपना प्लान बता दिया था, इसीलिए मिनी भी उसकी हेल्प करने के लिए जल्दी आ गई थी। और जब वरुण सारी फाइल्स को साइन करके उसके हाथ में देने के बाद अपने केबिन से जाने के लिए निकल रहा था तो मिनी ने हैरान होते हुए उससे कहा, डिंपल यहाँ आई है तो तुम उसके लिए अपना पूरा दिन इधर से उधर करने को तैयार हो गए हो वरुण, लेकिन तुम्हारी माँ जो 15 साल बाद वापस आई है उनके लिए तुम्हारे पास एक मिनट का भी टाइम नहीं है, क्यों? अब तक वरुण का मूड बहुत अच्छा था लेकिन मिनी की ये बात सुनकर वो चिढ़ता हुआ बोला, क्योंकि डिंपल मुझसे प्यार करती है इसलिए अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर मेरे लिए यहाँ आ गई है, ना कि मेरी माँ की तरह जिसे ना पिछले 15 सालों में मेरी याद आई और ना ही यहाँ आने के बाद उन्हें इस बात का ख्याल है कि उनके 2 और बेटे भी हैं जो अब तक उनके प्यार के लिए तरस रहे हैं। वरुण का ये जवाब मिनी को पसंद नहीं आता और वो उसकी सरोज के लिए गलतफहमी को दूर करने के लिए अपना मुंह खोलती है कि तभी वरुण अपने हाथ के इशारे से उसे रोकता हुआ कहता है, मुझे इस बारे में अब और कोई बात नहीं करनी है मिनी, मुझे पता है वो कल यहाँ आई थी और अपनी पैरवी करने के लिए तुम्हारे कान भी भर कर गई है, लेकिन मुझ पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है, इसीलिए बेहतर होगा कि हम इस बारे में बात करके एक दूसरे का मूड और ना खराब करें। ये कहकर वरुण अपनी केबिन से निकलता हुआ मिनी से आगे कहता है कि ऑफिस में कोई इमरजेंसी हो तो उसे कॉल करे और वहां से चला जाता है। वरुण के जाने के बाद मिनी सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे डिंपल का इस तरह अचानक लौट आना खलता है और अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देने के बाद मिनी चौंकती हुई खुद से कहती है, ये वरुण अभी अभी क्या कहकर गया कि डिंपल उससे प्यार करती है? क्या ये दोनों रिलेशनशिप में हैं? कब से? और वरुण ने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? और डिंपल वैसी लड़की तो नहीं लगती कि प्यार के लिए अपने पेरेंट्स के खिलाफ खड़ी हो जाए। जरूर कोई और बात है, लेकिन
और क्या बात हो सकती है। मिनी के मन में इस वक्त बहुत से सवाल थे जिनके जवाब वो वरुण से मांगना चाहती थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे इस वक्त डिंपल का मुंबई में होना कंफ्यूज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के समय रोहन भी अपने किसी पुराने दोस्त के खाली बार में बैठा शराब पी रहा था। नए सेशन के शुरू होने के बाद समर और दिग्विजय रोहन से दूर ही रहते थे, क्योंकि उनके घर वालों को रोहन और उसके पापा दोनों ही पसंद नहीं थे, और उसकी वजह ये थी कि उनके बारे में धीरे धीरे ये बात मार्केट में फैलने लगी थी कि उनका बिजनेस डूब रहा है और उनका पैसों का ये दिखावा बस कुछ दिनों का है। रोहन भी इस बात से अनजान नहीं था, इसीलिए अब वो जितना हो सके कॉलेज से दूर रहता, क्योंकि वहां उसका रुतबा नहीं रहा था जो पहले था। अब उसकी जगह वरुण ने ले ली थी, और उसकी डर की वजह से नहीं बल्कि सच में उसकी इज्जत करते थे, ये बात रोहन से देखी नहीं जा रही थी। भरी दोपहर में शराब के नशे में डूबा रोहन अपना सर बार काउंटर पर टिकाए खुद में कुछ बड़बड़ा रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन को लगा कि उसका दोस्त है और उसके बार खोलने का टाइम हो गया है, इसीलिए उसने कहा, मैं बस जा रहा हूँ यार, दो मिनट रुक। ये कहने के बाद भी रोहन वैसे ही बैठा रहता है, तभी एक अजनबी आवाज उसके कानों में पड़ती है। इतनी भी क्या जल्दी है रोहन, आराम से बैठो। आवाज सुनकर रोहन अपना सर ऊपर उठाकर देखता है तो उसके पास के स्टूल पर अनुराग बैठा होता है। नशे की हालत में रोहन उसे पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन जब कामयाब नहीं हो पाता तो अनुराग खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देता हुआ कहता है, आई एम अनुराग, NIFT में नया आया हूँ तुम्हारी बैच में। अब तक वरुण से तो मिल चुका हूँ, तो सोचा तुमसे भी मिल ही लूँ, और तुम कॉलेज में तो मिलते नहीं हो, तो बहुत पूछने के बाद यहाँ का एड्रेस मिला। वरुण का नाम सुनने के बाद अब तक रोहन का मूड खराब हो चुका था और वो उठकर वहां से जाने लगा कि तभी अनुराग ने काउंटर के दूसरी तरफ खड़े एक बारटेंडर से रोहन की फेवरेट ड्रिंक का एक पैक बनाने के लिए कहा, जिसे सुनकर रोहन के चलते हुए कदम रुक गए और उसने पलटकर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को संभालते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता है कि डार्क एंड स्टॉमी मेरा फेवरेट है, तुम हो कौन? इस पर अनुराग हंसते हुए कहता है, मैंने बताया तो, अनुराग नाम है मेरा। ये सुनकर रोहन थोड़ा सोचता हुआ कहता है, हाँ वो तो सुन लिया मैंने, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था तुम्हें? वरुण ने भाव नहीं दिया क्या तुम्हें भी? रोहन को लग रहा था कि अनुराग उसकी चापलूसी करने आया है, लेकिन तभी अनुराग कहता है, वरुण का भाव चाहिए भी किसे, मैंने तो उसे पहले चैलेंज में ही हरा दिया, मुझे उसके कैरेक्टर में वो दम नहीं लगा, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वरुण जैसे गुड बॉयज मुझे नहीं जमते, दोस्ती तो मुझे तुमसे रखनी है रोहन, तो क्या कहते हो? अनुराग वरुण से थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने रोहन से झूठ बोला था, इसीलिए रोहन को यकीन नहीं होता कि अनुराग ने वरुण को किसी चैलेंज में हरा दिया है, क्योंकि उसकी तो सारी कोशिशें अब तक नाकाम ही हुई थी। रोहन खुद को अनुराग से इम्प्रेस होने से रोक नहीं पाता और उससे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ कहता है, नाम क्या बताया तुमने अपना? और अनुराग रोहन से हाथ मिलाता हुआ कहता है, अनुराग, वरुण सिंघानिया की बर्बादी। डूबते को जैसे तिनके का सहारा हो गया था, फाइनली रोहन को कोई ऐसा मिल गया था जो ना सिर्फ उसे खुद से बेहतर लग रहा था बल्कि वरुण को बर्बाद करने में दिलचस्पी रखता था। एक के बाद एक वरुण के दुश्मन बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन अभी भी उनकी गिनती खत्म नहीं हुई थी। सिंघानिया हाउस में इस वक्त शुक्ला जी और वर्धमान ऑफिस में बैठे थे और वहां का माहौल काफी सीरियस नजर आ रहा था। वर्धमान दोनों हाथ टेबल पर टिकाकर अपना सर पकड़े बैठे थे और शुक्ला जी उन्हें समझाते हुए कह रहे थे, हमें उसे अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी है भैया जी। और शुक्ला जी की ये बात सुनकर वर्धमान एक झटके से अपना सर ऊपर उठाकर कहते हैं, गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है शुक्ला,
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन तुम वरुण और मिनी के भरोसे सब कुछ छोड़ कर गए ही क्यों? वरुण तो बच्चा है, उसने गुस्से में जो कह दिया था वो कह दिया, लेकिन तुम तो सिचुएशन को अच्छी तरह जानते थे। फिर भी वर्धमान इस वक्त उन दिनों के बारे में बात कर रहे थे जब शुक्ला जी वरुण से लड़ने के बाद मुंबई से गायब हो गए थे, और शुक्ला जी के पास वर्धमान की इन बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि सारी गलती उनकी है और अब उसे ठीक करने के लिए बहुत देर हो गई है। इसीलिए उन्होंने पछताते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि मेरी गैर मौजूदगी में वो धूमकेतु हमारे बीच फैल जाएगा तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाता भैया जी, लेकिन अब हमारे पास इस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर हमारे बीच वो लोग कौन हैं जो धूमकेतु के लिए काम कर रहे हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शुक्ला जी की बात सुनकर वर्धमान थोड़ा शांत होते हुए कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, एक काम करते हैं, पहले तो तुम्हें जिन लोगों पे शक है उनके पीछे अपने एक एक आदमी लगा दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मेरा कितना करीबी है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और सबको अलर्ट कर दो, खासकर मिनी, शंकर और जो भी चार पांच तुम्हारे भरोसे के लोग हैं। इतना कहकर वर्धमान चुप हो जाता है, उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ दिख रही थी। तभी शुक्ला जी ने उनसे पूछा, और वरुण, उसे ये बात बताएं या नहीं? वरुण पहले ही बिजनेस और अपने कॉलेज के बीच में तालमेल बिठाने में बिजी था, इसीलिए वर्धमान ने फिलहाल उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया और कुछ सोचते हुए बोले, सरोज को भी इसी वक्त मुंबई वापस आना था, जब यहाँ का माहौल इतना खराब है, उसे इस बारे में कुछ बता नहीं सकते। वर्धमान को सरोज और सारांश की आज भी चिंता थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन वर्धमान सबसे ज्यादा वरुण की सेफ्टी को लेकर परेशान थे। उन्हें पता था कि धूमकेतु का सबसे पहला निशाना वरुण होगा, ना कि वो खुद, इसीलिए उन्होंने हड़बड़ाते हुए शुक्ला से कहा, शुक्ला ध्यान रहे, वरुण के आसपास हमेशा हमारे भरोसे के दो आदमी रहने चाहिए, लेकिन इस बारे में वरुण को कुछ पता ना चले, क्योंकि वो इतनी सिक्योरिटी के लिए भी कभी नहीं मानेगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या ये है धूमकेतु की वापसी का समय? क्या है अनुराग के इरादे? और किन लोगों से डिंपल को छुपाने की जरूरत है अपनी पहचान? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।